दोस्तों आप में से जो लोग फोम कैनोन या फिर कार और बाइक को फोम वॉश करने पर इंटरेस्ट रखते हैं, देन आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे पास है वर्ल्ड पॉपुलर एमजी जैसी ब्रांड का न्यू जनरेशन फोम कैनोन प्रो, जो कि एक काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का स्नो फोम कैनोन है। मुझे कुछ ज़्यादा कहने का जरूरत नहीं है इसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, साथ ही साथ इस फोम कैनोन प्रो का परफॉर्मेंस और क्वालिटी कैसा है, मतलब इसके मदद से कितना बढ़िया क्वालिटी का थिक फोम या फिर स्नो फोम क्रिएट होता है, हर एक चीज़ को डिटेल्स में देखेंगे। तो कृपया वीडियो के साथ बने रहे, और आप में से जो लोग वीडियो देखने के बाद एमजेजेसी का इस न्यू जनरेशन फोम कैनन प्रो को परचेस करना चाहते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका परचेस लिंक दे रखे हैं, नीचे लिंक से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और चैनल में नया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि कार और बाइक रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल में हम लाते रहते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस एमजेजेसी न्यू जनरेशन फोम कैनन प्रो के जो बॉक्स है इसके ऊपर मैं एक नज़र डालेंगे। हालांकि बॉक्स को मैंने पहले ही ओपन करके देखा था, लेकिन अभी तक इस फोम कैनन प्रो को मैंने यूज़ करके नहीं देखा है। तो बॉक्स के ऊपर में यहाँ पर एक पिक्चर लगा हुआ है फोम कैनन प्रो का, साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है न्यू जनरेशन, और यहाँ पर न्यू जनरेशन पर क्या क्या चीज़ को इम्प्रूव किया गया है पहले जनरेशन मतलब ओल्ड जनरेशन फोम कैनन प्रो के मुकाबले, हर एक चीज़ डिटेल्स में लिखा है। साथ ही साथ बॉक्स के इस साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगा हुआ है, और इस पोर्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शंस लिखा है किस तरीके से फोम कैनन प्रो जो इसको असेंबल करना है, और किस तरीके से जो है शैम्पू वगैरह पानी वगैरह डाल के यूज़ करना है। साथ साथ इस साइड में लिखा है FL प्रो यानी कि फोम लेंस प्रो, और इस साइड में लिखा है एमजेजेसी फोम कैनन प्रो, और बैक साइड में अगर देखेंगे बैक साइड में लिखा है व्हाट्स न्यू विथ न्यू जनरेशन फोम कैनन प्रो, मतलब इस न्यू जनरेशन फोम कैनन प्रो पर क्या क्या चीज़ को नया इंट्रोड्यूस किया गया है, हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल्स में लिखा है। तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हम नज़र डालेंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पर जो है एडजस्टेबल स्प्रे डायरेक्शन फीचर, मतलब इस फोम कैनन पर जो है फोम स्प्रे को आप अपने हिसाब से जो है हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली एडजस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ हम आपको वीडियो में डिटेल्स में दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 जो है फोम थिकनेस अप टू 30% हायर देन फर्स्ट जनरेशन फोम कैनन विथ सेम अमाउंट ऑफ शैम्पू, मतलब इस एमजेजेसी का ओल्ड जनरेशन फोम कैनन प्रो जो था जितना फोम प्रोड्यूस होता था उससे 30% ज़्यादा थिक फोम इस फोम कैनन प्रो में आपको मिलेगा सेम अमाउंट के शैम्पू यूज़ करने पर भी। और साथ साथ यहाँ पर नंबर 5 जो है नंबर 5 पर है थिक फोम कैन बी मेड विथ इवन 90 बार प्रेशर वॉशर्स, प्रेशर वॉशर मशीन का अगर मैक्सिमम प्रेशर 90 बार है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फोम कैनन को उस प्रेशर वॉशर के साथ यूज़ करके आपको थिक फोम वहाँ पर भी मिलेगा। बाकी जो पॉइंट्स है आप अपने हिसाब से जो है पहुँच करके देख लीजिएगा। तो अभी दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बॉक्स के अंदर में ये वाला है फोम कैनन प्रो का बॉटल, साथ ही साथ ये रहा फोम कैनन प्रो का मेन नोजल या फिर मेन मैकेनिज्म, इसको भी साइड में रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज वगैरह है, और यहाँ पर ये रहा एक एडाप्टर, साथ ही साथ ये रहा फोम कैनन प्रो का मैनुअल, इसके अलावा बॉक्स के अंदर में कुछ नहीं है, बॉक्स को साइड में रखते हैं। तो दोस्तों अभी सबसे पहले बात करते हैं इस मैनुअल के बारे में। तो मैनुअल पर दोस्तों हर एक चीज़ डिटेल्स पर लिखा है किस तरीके से इस फोम कैनन प्रो को आपको यूज़ करना है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ टेक्निकल डेटा वगैरह भी लिखा है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉशन सेक्शन है, इस चीज़ को आपको हर बार फोम कैनन प्रो को यूज़ करने के बाद फॉलो करना है, अदरवाइज आपके फोम कैनन प्रो के जो फिल्टर्स वगैरह है वो स्टक हो सकता है। तो उस चीज़ को हम वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। और साथ ही साथ इस मैनुअल के नीचे के पोर्शन में स्पेयर पार्ट्स जो सेक्शन है यहाँ पर लिखा है
क्या क्या स्पेयर पार्ट्स इस फोम कैनन प्रो के साथ आपको मिलता है, तो अभी करते हैं मैनुअल को साइड में। अभी बात करते हैं दोस्तों इस एमजेजेसी फोम कैनन प्रो के बॉटल के बारे में। तो एमजेजेसी फोम कैनन का ये जो बॉटल है, जैसे आप देख ही सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम लुक है बॉटल का। और प्लास्टिक के क्वालिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसको अच्छा कहना मेरे ख्याल से गलत रहेगा, क्योंकि ये बेस्ट का भी बेस्ट है, अच्छे से भी अच्छा। काफ़ी ज़्यादा हार्ड है इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, हाथ से मैं थोड़ा सा भी नहीं दबा पा रहा हूँ, इतना हार्ड प्लास्टिक से जो है बना है। मतलब इनके फोम कैनन प्रो को यूज़ करने के टाइम पर अगर हाथ से ये फोम बॉटल गिर जाता है, तो भी फोम बॉटल पर कोई डैमेज वगैरह या फिर फोम बॉटल फटने का कोई चांस नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर इस फोम बॉटल को हाथ से गिराएं। और साथ साथ इस बॉटल के यहाँ पर कुछ स्केलिंग लिखा है, मतलब आपके नापने के लिए, मतलब कितना मात्रा में जो शैम्पू या पानी डाल रहे हैं, वो चीज़ को आपको यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ तक जो है 1 लीटर है 1000 ml, और साथ साथ यहाँ पर कुछ जगह और है, हाँ 200 ml एक्स्ट्रा और है। मतलब इस फोम बॉटल का साइज़ जो है दोस्तों लगभग 1200 ml के आसपास है, मतलब 1 लीटर 200 ml। और साथ ही साथ इस फोम बॉटल के ऊपर के पोर्शन में जहाँ पर शैम्पू पानी डालते हैं जो जगह है, फिर जो माउथ है काफ़ी बड़ा है, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपके शैम्पू डालने के टाइम पर। क्योंकि नॉर्मल किसी भी फोम कैनन पर होता क्या है दोस्तों, ये जो मतलब माउथ या फिर जो होल है, ये छोटा होने के कारण, मतलब छोटा डायमीटर होने के कारण, शैम्पू डालने के टाइम पर शैम्पू जो है मतलब गलती से साइड में गिर जाता है, वो वाला चीज़ यहाँ पर नहीं होगा। तो इस एमजेजेसी फोम कैनन प्रो के बॉटल के बैक साइड को अगर देखेंगे, तो इसका जो बैक साइड है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है इसका डायमीटर, जिसके कारण ये जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मतलब फोम कैनन प्रो मतलब इस तरीके से जो है गिरने का चांस कम रहता है। नॉर्मल किसी भी फोम कैनन पर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर टच हो जाए तो गिर जाता है हाथ से। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक फोम कैनन है, देखिए इसको थोड़ा सा भी ऐसे करते हैं तो गिर जाता है, लेकिन वो वाला चीज़ यहाँ पर नहीं होगा। इस चीज़ को इसके ऊपर मैं लगा के भी आपको दिखाऊंगा कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो अभी दोस्तों फोम बॉटल जो है इसको साइड में रखते हैं, और ये जो मेन फोम नॉजल या फिर मेन मैकेनिज्म जो है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, ये रहा फोम कैनन प्रो का मेन पार्ट। इसका लुक जैसे आप देख ही सकते हैं काफ़ी प्रीमियम है, और यहाँ पर भी लिखा है एमजेजेसी। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेवी वेट वाला है, और इसके ऊपर के पोर्शन में ये दोस्तों जो नॉब है, इसी के मदद से आप अपने फोम कैनन प्रो का फोम का थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको पूरा क्लॉकवाइज में इस तरीके से घुमा देंगे, तो आपके फोम कैनन प्रो का जो फोम का थिकनेस है वो मैक्सिमम लेवल तक चला जाएगा। और इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में पूरा घुमा देंगे, तो फोम का जो थिकनेस है वो एकदम मिनिमम लेवल में चला जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो कलर है इस नॉजल में, इसको आप इस तरीके से जो है घुमा के फोम कैनन प्रो के फोम को, मतलब फोम स्प्रे को पॉइंटर मोड या फिर चाहे तो स्प्रेड मोड में कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये वाला जो रेड पोर्शन है, इसी के मदद से आप फोम स्प्रे को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, देखिए जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बॉक्स के ऊपर में भी लिखा था ये बात, जैसे मैंने पहले आपको बताया। और ये जो है दोस्तों पूरा 360 डिग्री रोटेबल है, जैसे आप देख सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए दो होल है, इस यहाँ पर दो रबर प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर लगा देना है, और सेम तरीके से इस साइड में भी यहाँ पर भी लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों इसको रखते हैं साइड में। अभी यहाँ पर पैकेट को भी काट लेते हैं। इस पैकेट के अंदर में जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा फोम कैनन प्रो के जो पाइप है, जिसके अंदर से जो शैम्पू पानी जाएगा इस फोम कैनन की ये वाला नॉजल में। तो यहाँ पर दोस्तों इस पाइप के नीचे में जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी फिल्टर है, और साथ साथ स्टेनलेस स्टील का एक बॉल टाइप है। और इस स्टेनलेस स्टील का दोस्तों एक बेनिफिट भी है। मान लीजिए दोस्तों आप फोम कैनन प्रो को यूज करने के टाइम पर शैम्पू पानी का लेवल जो एकदम नीचे में चला गया है, तो उस टाइम पर अगर आप फोम कैनन प्रो के बॉटल को टिल्ट करते हैं, तो इस स्टेनलेस स्टील के वेट की वजह से जिस साइड में बॉटल टिल्ट होगा, पाइप भी उसी साइड में टिल्ट होगा, और जिसके वजह से जो है फोम सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर इस पैकेट के अंदर में कुछ और एक्सेसरीज प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर ठीक सेम तरीके का दो और रेड कलर के रबर प्रोवाइड किया गया है, जो कि मैंने इस पोर्शन में लगाए थे, देखिए। तो ये वाला अगर ख़राब हो जाता है इन दैट केस, ये वाला दो रबर को आपको यूज़ करना है। साथ ही साथ इस पैकेट के अंदर में दो मेस फिल्टर और एक स्पॉन्ज टाइप एक फोम फिल्टर प्रोवाइड किया गया है, जो कि अभी आपको यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर भी साफ साफ बताया गया है। यहाँ पर जो है दोस्तों इस पोर्शन में पहले से मेस फिल्टर और फोम फिल्टर डाला हुआ है, ये अगर स्टक हो जाता है तो तब आपको यहाँ पर जो पिन टाइप दिख रहा है इसको निकाल के रिमूव करके जो है ये वाला मेस फिल्टर और फोम फिल्टर को लगाना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और एक्सेसरीज है, जो कि है एक 1.1 mm का ओरिफिस नॉजल। यहाँ पर साफ साफ लिखा है नो नीड
इफ योर प्रेशर वॉशर इज ओवर 110 बार, मतलब अगर आपके प्रेशर वॉशर का मैक्सिमम प्रेशर अगर 110 बार के नीचे है तो तब आपको यहाँ पर जो 1.35 mm का एक ओरिफिस नोजल पहले से डला हुआ है, इंस्टॉल करके रखा है कंपनी की तरफ से, तो इसको निकाल के जो है इस वाले ओरिफिस नोजल को यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आपके प्रेशर वॉशर के प्रेशर के हिसाब से जो है ओरिफिस नोजल को चेंज करना है, तो मुझे अभी इसको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो है इसी ओरिफिस नोजल से मेरा 135 बार वाला प्रेशर वॉशर है तो उससे हम आसानी से जो है बढ़िया क्वालिटी से यूज़ कर सकते हैं इस फोम कैनन प्रो को। और साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ प्रोवाइड किया गया है, इसको भी काट के निकाल लेते हैं। ये जो है दोस्तों यहाँ पर एक एडाप्टर प्रोवाइड किया गया है जो कि बोस्क एक्यूटी रेस्क्यू टेक ब्लैक प्लस डेकार एनहल्सा मकीता जैसे प्रेशर वॉशर के साथ कंपेटेबल है। दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूँ, इस एमजेजेसी फोम कैनन प्रो को आप चाहे तो किसी भी प्रेशर वॉशर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सिंपली आपके प्रेशर वॉशर के हिसाब जो है आपको क्यूसी कनेक्टर को यहाँ पर अटैच करना होगा अपने हिसाब से, और उसके बाद क्यूसी कनेक्टर में एडाप्टर वगैरह को लगा के जो है आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है सिंपली डायरेक्टली इस एडाप्टर को यहाँ पर फिट कर देंगे देखिए, और साथ साथ ये वाला पाइप को भी यहाँ पर लगा देंगे, इसको यहाँ पर अभी डाल देते हैं देखिए, बहुत ज़्यादा स्टेबल है दोस्तों ये फोम कैनन जो है। दोस्तों अभी फटाफट से एमजेजेसी फोम कैनन प्रो में हम शैम्पू और पानी को मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है 3M कार शैम्पू जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का शैम्पू है। तो आपको एक बात बता दूँ, फोम कैनन प्रो का क्वालिटी चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, आपको उसके अंदर में शैम्पू भी बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल करना होगा, मतलब जिन सारे शैम्पू से फोम वगैरह अच्छा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर 3M शैम्पू जो है दोस्तों इसको सिंपली हम 100 ml के करीब मिक्स करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक अच्छा थिक फोम पाने के लिए 100 ml मिनिमम मिक्स करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लगभग 100 ml के करीब शैम्पू मिक्स कर दिया है देखिए, तो अभी बाकी के जो है पोर्शन हम पानी से फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये टैंक जो है 1200 ml का है, तो हम लगभग 1 liter के करीब जो है पानी मिलाएंगे, बाकी के पोर्शन हम गैप ही रखेंगे क्योंकि फोम और पानी सॉरी शैम्पू और पानी जो है अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लगा देते हैं अच्छी तरीके से। चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस फोम कैनन के बॉटल को अगर ऐसे उल्टा करते हैं तो बिल्कुल भी कोई लीक वगैरह नहीं हो रहा है, यहाँ से कोई पानी वगैरह नहीं निकल रहा है, जो कि किसी नॉर्मल फोम कैनन को ऐसे उल्टा पकड़ने पर जो है साइड वगैरह से जो है पानी निकलता है, तो ये चीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। तो इसको दोस्तों अभी अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर देंगे शैम्पू और पानी को। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एमजेजेसी फोम कैनन प्रो को पूरा तैयार कर लिया है, अभी हमारा रेस्क्यू टेक प्रेशर वॉशर मशीन जो है इसी के साथ यूज़ करेंगे, तो गन के साथ अटैच कर देते हैं। अभी इस फोम के थिकनेस बढ़ाने का जो नॉब है इसको पूरा मैक्सिमम लेवल तक कर देते हैं, ताकि फोम कैनन प्रो जो इसका एग्जैक्ट क्वालिटी और परफॉर्मेंस पता चले। तो अभी दोस्तों यहाँ पर कार के लेफ्ट साइड के जो बॉडी है इसी के ऊपर में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना थिक फोम कितना गाढ़ा फोम क्रिएट होता है। वाह दोस्तों देखिए एक बार, आप देखिए फोम का क्वालिटी आप एक बार देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा फोम के पीछे में ग्लू वगैरह लगा के कार के बॉडी के साथ चिपका दिया गया है। फोम जो है पूरा स्नो फोम है दोस्तों, एकदम कार के बॉडी के साथ पूरा चिपक गया है। अभी फोम लगाने के बाद कितना टाइम हुआ, अभी नीचे के पोर्शन को आप देखिए, एक बूंद भी शैम्पू पानी नीचे नहीं गिरा, अभी जो है थोड़ा थोड़ा करके इस साइड से गिर रहा है। नॉर्मल किसी भी फोम कैनन पर फोम मतलब शैम्पू पानी यूज़ करके जब फोम स्प्रे करते हैं तो लगने के साथ साथ ही जो है इस पोर्शन से जो है शैम्पू पानी या फिर फोम वगैरह जो है नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो इतना टाइम बीतने के बाद भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में इस पोर्शन में गिरा है, लेकिन ये भी पूरा गाढ़ा फोम है, बिल्कुल भी इसमें जो है पानी नहीं है, ऐसा लग रहा है पूरा ड्राई फोम टाइप लग रहा है। और अभी जो है इस पोर्शन में थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है, लेकिन अभी इस पोर्शन में देखिए यहाँ पर बहुत कम मात्रा में जो है गिरा है, तो इसी चीज़ से पता चलता है फोम कितना थिक कितना गाढ़ा है। यहाँ पर थोड़ा सा और स्प्रे करके आपको दिखाते हैं देखिए 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 पूरा जो है कार के बॉडी के साथ चिपक गया है। अभी ये वाला जो फोम है इसको थोड़ा हाथ में लेके आपको दिखाते हैं देखिए, पूरा ऐसा लग रहा है कि पानी नहीं है, मतलब पूरा ड्राई फोम टाइप लग रहा है देखिए दोस्तों, एकदम गाढ़ा फोम। अभी दोस्तों यहाँ पर इस फोम कैनन प्रो के परफॉर्मेंस और क्वालिटी के बारे में कुछ ज़्यादा कहने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अगर बेस्ट कहें तो भी मेरे ख्याल से कम होगा, क्योंकि ये बेस्ट का भी बेस्ट है जो रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिला। पूरा जो है दोस्तों स्नो फोम है एकदम, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा स्नो फोम है देखिए,
जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर जो नोजल है इसमें जो रेड कलर के ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन से आप फोम स्प्रे को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है 360 डिग्री रोटेबल है। और साथ ही साथ ब्लैक कलर के जो पोर्शन है, इस पोर्शन से आप इसे घुमा के इसको ऐसे पॉइंटर मोड में कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको इस तरीके से घुमा के जो है पूरा स्प्रे मोड में कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये वाला जो रेड कलर के है, देखिए अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये देखिए पूरा 360 डिग्री रोटेबल है, इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप चाहे तो रोटेट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक ही जगह पर ज़्यादा स्प्रे करने की वजह से देखिए क्या निकल रहा है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, एकदम ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा ड्राई फोम लग रहा है, मतलब लग रहा है कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत 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 बढ़िया दोस्तों, एकदम ऑनेस्टली बात। देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, हाथ में लिया और देखिए यहाँ पर देखिए चिपक गया, मतलब इतना थिक फॉर्म क्रिएट हो रहा है, हाथ में लेके भी अगर थ्रो करते हैं कार के बॉडी में तो भी चिपक रहा है। अभी तक टायर को देखिए, टायर का जो फोम है अभी तक बिल्कुल भी पूरी तरीके से नीचे नहीं गिरा, अभी तक जो है टायर के ऊपर में लगा है। ये वाला फोम को अगर थोड़ा हाथ में लेते हैं, देखिए अभी थोड़ा सा पास से आपको दिखाते हैं, देखिए क्या है, देखिए अभी दोस्तों वापस से जो है ये वाला फोम को हम कार के बॉडी में थ्रो करते हैं, देखिए चिपक गया। देखिए दोस्तों वाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। कैनन प्रो को यूज़ करने के बाद अभी मैनुअल पर जैसा एक कौशन प्रोवाइड किया गया था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको हर बार यूज़ करने के बाद वो चीज़ फॉलो करना है। अभी इस बॉटल को सिंपली खोल के जो है इसके अंदर में पूरा 1 लीटर 200 ml पानी से फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इसको बाहर एक बार निकाल देते हैं, शैम्पू पानी जो अंदर में है, अभी वापस से देखिए फिल करते रहेंगे, देखिए शैम्पू पानी जो बाहर में निकल गए। अभी दोस्तों यहाँ पर इसको वापस से इस पूरा पानी के साथ फिल करके अटैच करेंगे, फोम कैनन जो है इसको गन के साथ अटैच कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों गन को ऑन करके, मतलब जितना भी 1 लीटर 200 ml पानी भरा था इसको सब बाहर निकाल देंगे। इसका एक ही रीज़न है दोस्तों, अंदर में जो शैम्पू पानी वगैरह है
वो मेस फिल्टर में स्टक ना हो जाए। एमजे जैसी न्यू जनरेशन फोम कैनन प्रो को यूज़ करने के बाद इसके परफॉर्मेंस और क्वालिटी के बारे में बात करें तो सिंपली मैं एक ही बात बता सकता हूँ, इस फोम कैनन प्रो को अभी तक अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो थिकेस्ट फोम होता क्या है, थिक फोम होता क्या है एग्जैक्टली में आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। तो आप आँख बंद करके दोस्तों इस फोम कैनन प्रो को खरीद सकते हैं और इतना मेहनत से दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, हालत पूरा खराब हो गया है। अगर थोड़ा आप लोगों का प्यार मिल जाता वीडियो में तो और भी मजा आ जाता। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नया वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।